पश्चिम बंगाल के तराई डोवार्स और असम के चाय बगानों में रहने वाले सदान और आदिवासी समुदाय पर खतरे का साया मंडरा रहा है। कुछ लोग दोनों समुदाय की भाषा संस्कृति के साथ कर रहे हैं एक बड़ा खिलवाड़, एक राजनीति जो खत्म कर देगा दोनों का वजूद। कहानी शुरू होती है अंग्रेजों के शासनकाल से, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। 1881 से 1921 के बीच अंग्रेजों द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र से काफी संख्या में कई समुदाय के लोगों को चाय बगान ले जाया गया, जिसमें से दो प्रमुख समुदाय थे। पहला है सदान समुदाय और दूसरा आदिवासी समुदाय, जिसका संवैधानिक नाम जनजाति है। इन दोनों समुदायों में सबसे ज्यादा आदिवासियों को ले जाया गया था। आदिवासियों की एक अपनी विशिष्ट भाषा और उनकी एक विशिष्ट संस्कृति है, जैसे मुंडा, हो, खड़िया, संथाली इत्यादि। इनकी एक अपनी मातृभाषा है, जैसे मुंडा समुदाय की मातृभाषा मुंडारी है, उरांव की कुड़ुक, संथाल की संथाली और खड़िया की खड़िया। दूसरी तरफ बात करते हैं सदान समुदाय के बारे में, जो आदिवासियों की तुलना में काफी कम संख्या में चाय बगान ले जाया गया था। सदान समुदाय उस समुदाय को कहते हैं जिसे डेविड स्टेलिग्रोस ने छोटा नागपुर का भूमिपुत्र भी कहा है। यह एक हिंदू समुदाय है, हिंदू धर्म से प्रेरित समुदाय है, जिसमें जाति व्यवस्था वर्ण आधारित है, जैसे रोतिया, झोरा, गोसाई, नागवंशी इत्यादि। इनकी एक अपनी विशिष्ट संस्कृति और इनकी एक अपनी मातृभाषा है, जैसे नागपुरी, जिसको ही सदानी या सादरी या नागपुरिया कहते हैं। सदान समुदाय और आदिवासी समुदाय दोनों समुदाय सैकड़ों वर्षों से साथ रहते आ रहे हैं, जिसके कारण आदिवासी समुदाय में सदान समुदाय की मातृभाषा यानी सादरी का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ता गया, जिसके कारण वर्तमान समय में आदिवासी समुदाय अपनी भाषा भूलते जा रहे हैं। इनकी भाषा और संस्कृति नष्ट करने वाले खुद आदिवासी समुदाय के लोग हैं। एक छोटी सी भूल और एक छोटी सी चूक कई पीढ़ियों के लिए दाग बन जाएगा, क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोग सदानों की मातृभाषा सादरी को अपनी मातृभाषा समझने की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी अपनी भाषा लुप्त हो रही है और इससे सदान समाज भी गुमराह हो रहे हैं। सदान समुदाय भी गुमराह होकर आदिवासियों की भीड़ में खुद को आज आदिवासी समझने की भूल कर रहा है। आज ऐसी स्थिति बन गया जिसके कारण दोनों समुदाय को अपनी भाषा संस्कृति का पता ही नहीं। इसी का फायदा कुछ लोग अपनी राजनीति, अपने स्वार्थ के लिए समाज को गुमराह कर रहे हैं। सदान समुदाय के लोग आदिवासियों से संपर्क करने के लिए अपनी मातृभाषा यानी नागपुरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण आदिवासी समुदाय में नागपुरी भाषा का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ गया। क्योंकि आदिवासियों की अपनी भाषा है, लेकिन वो अपने बीच में एक दूसरे की भाषा नहीं समझने के कारण सदानों की भाषा का सहारा लेते हैं, इसीलिए उनकी मातृभाषा लुप्त हो रही है। इस बड़ी साजिश में सदान समुदाय का दम घुट रहा है, क्योंकि आदिवासियों की संख्या में सदान समुदाय की संख्या काफी कम है और इसके कारण उनकी आवाज बुलंद नहीं हो पा रही है। आदिवासियों की भीड़ में सदान समुदाय अपनी पहचान, अपना वजूद खोते जा रहा है। आदिवासी समुदाय अपनी ही भाषा भूलकर सदान समुदाय की भाषा का प्रयोग करते हैं और सदानों से प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं कि आपकी भाषा क्या है। आज असम और पश्चिम बंगाल में 95% से ज्यादा आदिवासी अपनी मातृभाषा भूल चुके हैं। इसी का फायदा कुछ फिल्म निर्माता उठा रहे हैं और सदान समुदाय की नागपुर में फिल्म बनाकर उस फिल्म को आदिवासी फिल्म का नाम देते हैं, जिससे आदिवासी समुदाय और सदान समुदाय दोनों गुमराह हो रहे हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे उन तमाम फिल्म निर्माताओं के बारे में जो चंद पैसों की लालच में दोनों समुदाय के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, साथ में उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनकी अस्मिता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या है वो कारण जो सदान समुदाय का वजूद नष्ट हो रहा है, अगले वीडियो में पूरे विश्लेषण के साथ आपको बताएंगे। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।